अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। बात करेंगे ओमान में एंट्री और क्वारंटाइन के मुतलक। आज 16 अगस्त है और दिन है सोमवार का। सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंसमेंट कर दी है कि इराक से और ईरान से जितने भी लोग ओमान में एंटर होंगे, बेशक वो ओमानी नेशनल हैं या दीगर नेशनल हैं, उनके लिए होटल में क्वारंटाइन लाजमी है। यानी जितने भी लोग ओमान में एंटर होंगे कल दोपहर 12 बजे से 17 अगस्त बरोज़ मंगल दोपहर 12 बजे के बाद, जितने भी लोग इराक से या ईरान से ओमान में एंटर होंगे वो होटल में ही क्वारंटाइन करेंगे। और ओमानियों के लिए भी क्वारंटाइन जो है वो लाजमी कर दिया गया है, बेशक उनको वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो। बाकी इस खबर को देखते हुए इंशाल्लाह ताला खैर अंदाज़ा किया जा सकता है कि ओमान फ्लाइट पेशेंट जो है वो बहाल करने की तरफ जा रहा है, क्योंकि ईरान के ऊपर पाबंदी थी। तो ईरान से जो है कल से फ़्लाइटें शुरू हो जाएंगी। और उसके अलावा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के मुतलक भी जल्द खुशखबरी आएगी। उम्मीद करते हैं कि इसी वीक में कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी आ जाए। बाकी जिनको वैक्सीन लगी है एटलीस्ट उनको तो इजाज़त वैसे भी होनी चाहिए। सो उसके अलावा जो क्वारंटाइन, देखिए अगर वैक्सीन लाजमी करते हैं तो क्वारंटाइन की लॉजिक जो भी हुआ फिर एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिनको वैक्सीन लगी होगी उनको आने की इजाज़त दी जाती है, तो शायद उनके लिए क्वारंटाइन और कोरोना का टेस्ट वगैरह स्किप कर दिया जाए। लेकिन ये शायद वाली बात है, इसमें कन्फर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ आपकी हमारी परसेप्शन है, हमारे ख्याल आते हैं कि ऐसा हो सकता है। बाकी जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है फिर वो भी शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।